देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार आज वाराणसी पहुंचेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। इसके अलावा पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशवामेश घाट पर गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अघोषित रोड शो भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 18 जून को 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त जारी करेंगे। बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर ही हस्ताक्षर किए थे। सीकर में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन आज यानी 18 जून को होगा। बता दें कि जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमल सिकवाल व पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि बजाज रोड स्थित जैन भवन में होने वाला कार्यकर्ता सम्मेलन दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कोडरमा में झामुमो केंद्रीय समिति के निर्देश पर महागठबंधन दलों की बैठक आज सुबह 10 बजे से ब्लॉक रोड झुमरी तलैया स्थित साहू धर्मशाला में आयोजित है। बता दें कि जानकारी झामुमो जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस, राजद, सीपीआई, भाकपा माले समेत घटक दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। यूजीसी नेट के एग्जाम आज होने वाले हैं। बता दें कि यूजीसी नेट जून सत्र की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। अजमेर में लाडू रानी लक्ष्मीबाई संस्थान की ओर से आज यानी 18 जून रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर रैली निकाली जाएगी। बता दें कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर जानवी ग्वाला ने बताया कि रैली का उद्देश्य समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। जालंधर में जूडो एसोसिएशन और शिक्षा विभाग के सहयोग से आज से 30 जून तक सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडू वाली रोड में निशुल्क समर जूडो कोचिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि ये कैंप प्रिंसिपल योगेश कुमार की देखरेख में लगेगा। सिमडेगा जिला प्रतिनिधि नव प्रशासक सुमित कुमार महतो की अध्यक्षता में आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बैठक होगी। बता दें कि दोपहर बाद 3:30 बजे से आयोजित होने वाली बैठक में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बस एसोसिएशन, मार्केट कॉम्प्लेक्स समिति, टाउन वेंडिंग जोन समिति को उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। बिलासपुर में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार आज यानी 18 जून से सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होनी है। बता दें कि इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने तय किया है कि इस बार सभी कॉलेजों में प्रवेश यूनिवर्सिटी के पोर्टल से होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ साथ आंधी चलने की संभावना है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। जी के दिन सन 1958 में नौकायन में भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे होमी डैडी मोतीवाला का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1974 में सोवियत संघ के रक्षा मंत्री जॉर्जी जुकोव का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी क्वार्टर एवं सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा सॉल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर हुए थे। आज ही के दिन 1992 में भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की महिला राजनीतिज्ञों में से एक गोड्डेती माधवी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2002 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।